हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे हाथ में रखे दोस्तों ये पौधे को देख सकते हैं, तुलसी की तरह दिख रहे हैं। ये तुलसी का पौधा नहीं, इसे मरुआ का पौधा के नाम से जानते हैं। इसे मेमरी, मरुआ और जैसे कि उत्तराखंड में वन तुलसी के नाम से जानते हैं और मराठी में मुरुआ के नाम से जानते हैं। बहुत जगह हो सकते हैं आपके इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो, तो पौधे को पहचान लीजिए और इस पौधे को देख करके आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिल्कुल ही बताना कि आपके इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में इसी तरह से बहुत सारा पेड़ पौधा पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी में काम ज़रूर आते हैं। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले वनस्पति जो होती हैं, जड़ियाँ बूटियाँ होती हैं, पेड़ पौधा होते हैं जो कि कुछ ना कुछ बीमारी में काम ज़रूर आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनका फ़ायदा नहीं जानते। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों को इसका फायदा बताऊंगा। अगर हमारे वीडियो में बताए जा रहे जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, ऑनलाइन रहने पर आपकी बिल्कुल ही मदद की जाएगी। तो चलिए जानते हैं, बारिश के मौसम में बहुत से कीड़े मकोड़े और मच्छर की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बारिश के मौसम में घर में आपको एक इसका पौधा ज़रूर गमले में लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से, जो इस पौधे हैं इसकी खुशबू के प्रभाव से मच्छर आपके घरों में नहीं आता और सौंधी महक ये जो है हमारे घरों में खुशबू फैलाता है। और ये पौधा जो आप अपने गमले में बहुत ही आसानी से घरों पर लगा सकते हैं। और साथ ही अगर ये पौधा लगाते हैं तो मलेरिया का ये खतरा से बचाता है, वातावरण को शुद्ध रखता है, डेंगू जैसे मलेरिया जैसे भयानक बीमारी भी घर पे नहीं आते। हाँ, मच्छर भगाने के लिए चले मैं आप लोगों को इसका प्रयोग बता देता हूँ। तो मच्छर भगाने के लिए इसके पत्ते को जलाना होता है। जी हाँ, मच्छर भगाने के लिए आप जो है इसके पत्ते को जलाइए, इससे मच्छर घरों पर भग जाते हैं। मैं वीडियो के आखिरी में और भी मच्छर भगाने का दो तीन तरीका बताऊंगा इसी से। इसके बाद दूसरा फायदा जानते हैं कि सूजन की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके पौधे के पत्ते टहनी को पानी में उबाल करके सूजन वाली जगह पर बफारा देने से, गर्म पानी से मालिश करने पर अगर आपके हाथों पैरों में सूजन आ गए हैं तो ये सूजन को दूर करता है। इसके बाद दर्द रोकने के लिए, तो इसके पत्ती और टहनी को उबाल करके सूजन की जगह पर जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे मालिश करना होता है, दर्द दूर होता है। और साथ ही साथ अगर किसी के सिर दर्द हो रहे हैं तो इसके पत्ते का काढ़ा बना करके 2 से 3 चम्मच की मात्रा में पीने से जो सिर के दर्द होते हैं ठीक हो जाते हैं। टीबी बीमारी के लिए, टीबी रोग में इसके ताज़ा जड़ का 5 ग्राम रस को सुबह शाम सेवन करने से जो टीबी की बीमारी होती है वह जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद पेट दर्द के लिए, तो पेट दर्द में इसके पत्ते और बीजों का चूर्ण बना करके 5 ग्राम इसके चूर्ण को गर्म पानी के साथ मिला करके सुबह शाम सेवन करना होता है, पेट के दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे भारत भूमि बहुत ही पावन है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। यहाँ पे हर प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधा है जो कि किसी न किसी बीमारी में काम ज़रूर आते हैं। हमें हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले मेडिकल से जब भी थोड़ा बहुत कोई समस्या होती है, परेशानी होती है, तो जा करके दवा फट से लेकर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेडिकल में मिलने वाले दवा का थोड़ा थोड़ा समस्या आने पर खाते हैं तो बाद में चल करके कैंसर जैसे भयानक बीमारी होने का खतरा रहता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे पूरा बॉडी के नेचर को ख़राब कर देता है। इसके बाद दोस्तों, इसका मैं फायदे की बात करूं तो ये मासिक धर्म में, माता बहने में जो मासिक धर्म की अनियमितता है या मासिक धर्म में ज्यादा ब्लडिंग आ रही है, तो 20 ग्राम इसका जो जड़ होता है इसका काढ़ा बना करके, ठीक है, 20 ग्राम इसके जड़ का काढ़ा बना करके नियमित रूप से सेवन करने से मासिक धर्म के विकार दूर होते हैं। और जैसे कि चोट आ गए हैं, मोच आ गए हैं, तो इसका पत्ते का सरसों के तेल में मिला करके उबाल करके जो तेल तैयार करना होता है और इस तेल से अगर मालिश किया जाए तो चोट हैं, मोच हैं जल्द से जल्द भरते हैं। गठिया के दर्द के लिए, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी हमारे गठिया के दर्द हैं काफ़ी लंबे समय से परेशान, अगर आपके घर पर में दादा दादी नाना नानी किसी को अगर गठिया की समस्या है, हाथों पैरों में जोड़ों में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो पत्ती, इसके पत्ती, इसके टहनी, फूल, जड़ और बीज का काढ़ा 20 से 30 ml की मात्रा में बना करके 3 बार है ना, 2 ग्राम की मात्रा में, 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पीना होता है। बिल्कुल ही दोस्तों, हर प्रकार के गठिया के दर्द दूर होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके पंचांग का पत्ती, टहनी, फूल, जड़ और बीज का सरसों के तेल में है ना, 500 ml सरसों के तेल में डाल करके 200 ग्राम इसके टहनी, फूल, पत्ती, जड़ का
आपको डालना है, और जैसे पूरा तेल पक जाते हैं, काले इसके पत्ते हो जाते हैं, तो बाल अच्छी तरह से आप जो किसी बोतल शीशी में भर करके रख लें। फिर इस तेल से डेली की मालिश करें, आपके हाथों पैरों के दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहे, बदन दर्द हो रहे, वो भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद चले मैं आप लोगों को मच्छर भगाने का इसका एक और तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको इसके टहनी को अपने घरों पे जहाँ पे आपको लगता है कि मच्छर ज़्यादा है या दरवाजे वाले जगह हैं, वहाँ पे इसके टहनी को रख दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ही खोच दीजिए, बिल्कुल ही मच्छर नहीं आते। इसके पत्ते में इतना दुर्गंध होता है, दुर्गंध के मतलब मच्छरों के लिए दुर्गंध होता है, मच्छर इसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से मच्छर घरों से भाग जाते हैं। तो ये मच्छर भगाने का सबसे बेहतरीन आसान तरीका है। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि मच्छर ज़्यादा काट रहे हैं, तो वहाँ वहाँ पे इसके टहनी को रख दीजिए, बिल्कुल ही मच्छर भाग जाते हैं। सबसे बेस्ट और आसान तरीका है मच्छर भगाने का। तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो अपने मित्रों में, दोस्तों यारों में, घर वालों में आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।